क्या क्या अच्छी अच्छी चेयर्स है। ए मसाज वाली चेयर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर पावरा ब्लॉग। सो गाइस, अभी आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ चोटिला से। तो अभी मैं आया हूँ सीएनजी डलवाने, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अलंग की ओर। तो अलंग जाएंगे और चलिए गाइस, अलंग जाएंगे और अलंग से फुगड़ा वगैरह जाने, मम्मी को मन्नत थी। तो चलिए फिलहाल सीएनजी का पेमेंट कर देते, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड यहाँ पे सब लेडीज बैठ रही है हमारी गाड़ी में और उस गाड़ी में सब जेंट्स जा रहे हैं। तो ये सब है, तो चलिए चलो 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 मौज, चलिए लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्ट अलंग की ओर। हमने ब्रेक लिया है यहाँ पे, आई थिंक कौन सा गांव है पता नहीं मुझे, बट भुरखिया हनुमान जी करके है। तो हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो एक कौन सा गांव है वो भुरखिया, हाँ तो ये भुरखिया ही गांव है। तो भुरखिया हनुमान जी करके यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एंड फिलहाल हमारा प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं अलंग, अलंग से हम लोग जाएंगे बगुड़ा। तो हमारा ये दोनों है, मतलब पहले बगुड़ा जाए या तो उसके बाद अलंग जाए, ये मुझे पता नहीं, बट ये दो प्लेस हमारे हैं मेन, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। एंड मैं बगुड़ा का इतना ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आपने सब देख ही लिया है, बट फिलहाल हम लोग अलंग जाएंगे। तो अलंग का मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा कि क्या क्या है और क्या क्या मिलता है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा, बट ऐसे फैमिली ब्लॉग तो मैं आपको दिखाते रहूँगा। फिलहाल ये भुरखिया हनुमान जी करके है, तो सब लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिया है एंड हमारा बाकी है दर्शन करना, बट फिलहाल ये है भाई, दर्शन कर लेता है और उसके बाद मिलता है आपको। तो ये सब है। तो गाइज, हमने भी दर्शन कर लिया है, छोटा सा ये मतलब मंदिर है बट यहाँ पे महत्व बहुत है। कौन से पानी आ रहा है, हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल पालीताना। तो अभी पालीताना हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं, तो कुछ खाने के लिए रुके हैं। तो फिलहाल बहुत ही भूख लगी है, 12:30 बज गए हैं। तो फिलहाल क्या, फिलहाल हम भी साथ में हैं। हाँ, मेरे मासा भी साथ में ही है। चले इनक्रेड करके कोई रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोग अभी खाना खाने के लिए जा रहे है, देखते है कैसा है इसका टेस्ट। बहुत बड़ा टेबल है, ये देखो हमारी बच्चा पार्टी। ये देखो गाइस, फिलहाल सब लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं, खाना खा रहा है। तो अभी लाल मामा किला आ गया, किला आ गया लाल मामा। तो गाइस अभी 1 बजे एंड अभी 1 बजे हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो इनका खाना आ गया, हमारा नहीं आया, हम अभी ऐसे ही बैठे हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना। क्यों छा मम्मी खाओ ना, क्यों छा सारू छा एवं ना फैमिली है यहाँ पे। हाँ, पैसों की बहुत अच्छी तरह से बचत कर रही है, जो बचेंगे वो पीछे बच्चों के काम में आएंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। सो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, बहुत ही मस्त था खाना। तो ये नीलकंठ रेस्टोरेंट करके है, छोटी सी रेस्टोरेंट है, बट इसका जो स्वाद है ना, स्वाद बहुत ही सही है। तो इसका एड्रेस है गाइस, पालीताना भावनगर बाईपास रोड, जैसे ये वाला ब्रिज उतरोगे वैसे ही है, रामदेव कॉम्प्लेक्स के सामने ही है। देखो नीलकंठ रेस्टोरेंट करके है, हमने गुजराती डिश मंगाई थी,
पर मजा आ गया, टेस्ट बहुत ही सही था। तो ये अगर आप लोग सहारनपुर या बगुड़ा साइड जाते हो, अलग साइड जाते हो, तो आप तो यहाँ पे भी आ सकते हो, खाना बहुत ही बढ़िया है। एक हाथ चलो। तो गाइस अभी खाना पीना खा के हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड सभी लोगों में एनर्जी आ गई है, राइट राइट। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बगुड़ा। तो अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, बट फिलहाल मैं आपको यहां का व्यू नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। तो चलिए गाइस फिलहाल दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। 2 hours later गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलंग। तो फिलहाल एक गाड़ी पीछे रह गई, तो वो अभी आ रहे हैं मेरे मामा लोग। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग सब देख रहे हैं। तो ये देखो, तो अभी एक गाड़ी आ रही है, तो उनका हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जो मेन शिप का जो वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उनको कटिंग करते हैं, मतलब उसको तोड़ दिया जाता है। तो वो सब प्रोसेस आई थिंक देख पाए तो सही है, अच्छा है, वो हमें देखने को मिले तो अच्छा है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा हमारा रहता है। बट एक गाड़ी आ रही है, तो अभी वेट कर रहे हैं। मना था ये शूट करना, बट हमने थोड़ा गाड़ी में से थोड़ा थोड़ा किया। बट फिलहाल हम लोग आए, ये सब है, इसको क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ऐसे छोटी छोटी शॉप्स है जहाँ पे मतलब बहुत कुछ अलग अलग मिल रहा है। ये सामने देखो, सामने झूला वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पे सब घर की चीज़ें मिल रही है। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। बच्चा इसमें ये तो ये सब है यहाँ पे। ओ भाई क्या क्या है यहाँ पे, भाई कितने ब्लैंकेट वगैरह क्या क्या है। बट गाइज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सब सस्ता मिलता है, तो मुझे तो सस्ता नहीं लगा, आप लोगों को लगता है तो पता नहीं, बट प्राइस तो है इन पे, ऐसा नहीं कि सस्ती प्राइस में मिल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं गाइज, प्राइस तो है यहाँ पे। सो गाइज अभी हम लोग ये दूसरी शॉप में आए हैं, बट हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो बहुत ही मतलब प्राइस में डिफरेंस बहुत आ जाता है। हमारे यहाँ 200-200 की चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे 400-450 की चीज़ें मिलती है। यार पता नहीं कि यहाँ पे कम प्राइस में क्या। हाँ एक और चीज़ थी, जो हमारे डबल बेड के जो गद्दे वगैरह होते हैं, गादी वगैरह होती है, वो यहाँ पे सस्ते मिल रही है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उल्टा हमारे साइड से ज़्यादा है यहाँ की प्राइस। तो ये है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको लेनी है, बेड शीट या कुछ आपको लेना है तो वो ले सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ये फर्नीचर की शॉप पे, तो बहुत ही बड़ी शॉप है एंड यहाँ पे चेयर वगैरह मिल रही है। थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या, ए भाई क्या क्या अच्छी अच्छी चेयर से, ए मसाज वाली चेयर आ टाइप नो ले लो, ए आ बद चेयर जो आ चेयर की मस्त है। हाँ ये चेयर कितना नहीं चाहिए, एक ट्राई करे यार, बहुत मस्त है। हाँ ये जो येलो एंड हाँ तो डाइनिंग टेबल टाइप, पर आ बहुत मस्त है। ओ भाई 32
इसलिए जो भी लेने की सोच रहे वो आउट ऑफ बजट हो जाती है, या तो मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा इतनी होगी इसकी प्राइस। सो गाइस वो प्लॉट पे तो मजा नहीं आया, बट अभी ये प्लॉट में देखते हैं कि ये प्लॉट में अभी क्या है। देखो सोफा सेट वगैरह है यहाँ पे एंड बेड शीट वगैरह। ओ भाई यार क्या है, गार्डन में रखने के लिए है भाई, बहुत ही सही लग रहा है। हम जब उदयपुर गए थे तो उदयपुर ऐसा ही था। एंड ये गाइस देखो कितने अच्छे अच्छे सोफे है, बट गाइज प्राइस बहुत ही ज्यादा है यार। ये देखो ये रेड कलर का कितना अच्छा बेड है, मतलब यहाँ पे सोते सोते है मूवी वगैरह हम लोग देख सकते हैं। भाई क्या है यार, चीजें बहुत अच्छी अच्छी है। भाई चेयर का क्या है, वो बड़े वाले और ये दो दोनों बड़ी वाली तो कहीं इतना मतलब शिपिंग वगैरह किलो 4 लाख से नहीं टाइप पार्ट लोड मार रही है। चेयर वगैरह थोड़ी सस्ती मिल रही है, 4-5 हज़ार में मिल जाती है गाइस। चेयर यहाँ पे सस्ती है, मेरी चेयर तो यार 7.5-8 हज़ार में आई थी, यहाँ पे कम है। देखो कितना 15 से 20 वर्ष किधर था और भाई देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये देखो ये वुडन ही है बट इतने इतना अच्छा है। तो गाइज अलग में ऐसी काफी सारी चीजें थी जो हम ले सकते हैं, कुछ चीजों की कुछ ज्यादा ही प्राइस ज्यादा थी एंड कुछ चीजों का मतलब फायदा भी हो रहा था हमको। इस समय तो सभी लोग अभी थक चुके हैं एंड आई थिंक कितने बजे अभी 9:30 बजने को आए एंड अभी सब लोग गाड़ी पे है, अभी हम लोग निकलने वाला है एंड बहुत ही मजा आया। तो अभी हम लोग भावनगर में खाना खाने के लिए रुके, तो ये भूमि रेस्टोरेंट है, ये आई थिंक कौन सा सर्कल है, लीला सर्कल करके है, लीला सर्कल के आसपास ये भूमि रेस्टोरेंट है। बहुत ही अच्छा है, काठियावाड़ी खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोगों ने काठियावाड़ी खाना खाया, अभी हम लोग नॉन स्टॉप चलने वाले हैं, तो मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो आई थिंक मैं व्लॉगिंग न कर पाऊँ, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइज बस आज के लिए बस इतना ही था, तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।